रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सुनीता चौधरी नामांकन किया है। तो आप देख रहे होंगे कि आज के नामांकन में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू, सब में उत्साह है। नामांकन के अवसर पर हमारे चाहे वो आजसू के विधायक हो, सांसद हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक पटेल जी हो, चाहे हमारे शबरी लाल जी हो, किशन दास जी हो, पूर्व विधायक हमारे पाटिल जी हो, मनोज यादव जी हो, सारे लोग पहुंचे। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों मिलकर इस चुनाव में विजयी होने का काम करेंगे। और सुनीता चौधरी जी जो एक शिक्षित महिला भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, ये विजय प्राप्त करेंगे। एक चीज और मैं कह दे रहा, आप देख रहे होंगे क्योंकि आप इस क्षेत्र से भी आते हैं, कभी कभी मुझे गांव में इस क्षेत्र का जाने का अवसर मिला है तो मैं देखता हूं कि गांव-गांव में इतना विकास हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। और हम लोग जब देखते हुए जाते हैं तो लगता है कि हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप यहां से जैसे चढ़ान पर आप चढ़ेंगे रांची जाने के लिए, बाया साइड आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। मैं ज्यादा उस समय में नहीं कहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये काम का प्रतिफल पीछे के चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पिछले चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा गठबंधन की सरकार ने लिया था, इस बार वो फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। इस बार आजसू और भाजपा का गठबंधन अटूट है, चट्टान की तरह अटूट है। दूसरा चीज, अभी किसी माननीय पत्रकार महोदय ने कहा कि नारा लग रहा था, तो भैया देखिए ऐसा है कि हम सब नारा तो लगाएंगे, जय श्री राम का भी नारा लगाएंगे, हर हर महादेव का भी नारा लगाएंगे, इसको कौन रोकेगा? भारत में नहीं लगाएंगे तो क्या जाके पाकिस्तान में लगाएंगे? इसलिए मैं सीधा तो बात कह रहा हूँ, तो नारा लगेगा और आप लोगों को भी लगाना चाहिए, इसी में मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं एक बात और कह दे रहा हूँ, वैसे हमारे माननीय सुदेश पत्तू जी ने बताया इस सरकार के बारे में कि सरकार का क्या है। हाँ, एक चीज है, सरकार की उपलब्धि इतनी जरूर है कि 3 साल के शासन काल में इस झारखंड को 30 साल पीछे ढकेल दिया, यानी ले जाने का काम किया है। इसलिए जनता ये खोखले वायदे, झूठे वायदे, गुमराह करने वाली नीति से गुमराह नहीं होने वाली है और समय आने पर जनता उसका समुचित जवाब देगी। धन्यवाद। सर, रघुवर दास भी आएंगे क्या प्रचार में? सीपीसी रघुवर दास आएंगे प्रचार में क्या? देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आएंगे, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, सभी आएंगे और यहाँ पर प्रचार करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, गांव गांव घर घर जाएंगे। सर, इसका कार्यकर्ता बाकी हुआ है जो नॉमिनेशन किया है, सर पार्टी कोई एक्शन ले रही है क्या? देखिए ये तो बात का बात है, अब जिसकी चर्चा करो हमसे भी मिले थे
नॉमिनेशन करके लौट रहे थे तो हम मिले थे। भैया नॉमिनेशन करने का अधिकार है, कल आप भी नॉमिनेशन कर दीजिएगा, क्या किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉमिनेशन करने से नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार एक ही है और जिसका नाम है सुनीता चौधरी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।